नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं उस खुलासे की जिसमें कहा गया है कि पंडित नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी करवाई थी। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? नहीं देखिए, ये तो चूंकि जो फाइलें हैं सरकार की जिसको गुप्त करार देकर इतने समय तक सामने नहीं आने दिया गया, उससे सूत्र उठाकर एक पत्रिका ने इस खबर को छापा है, तो निश्चित तौर पर खबर में सच्चाई होगी, तभी साहस किया गया इसे छापने का। और वैसे भी देखा जाए तो झाला जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर रहस्य के बादल हमेशा गणराते रहे हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन पर चर्चा नहीं हो पाई और इसी वजह से बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी बातें लगातार चर्चा में बनी रही है। नेताजी की मृत्यु आज भी रहस्य है। जो कमीशन बने उन्होंने भी ये पाया कि जो विमान दुर्घटना जिसमें नेताजी की मौत की बात कही गई थी उसमें वो नहीं मरे हैं, लेकिन वो किस कैसे उनकी मृत्यु हुई है ये तय नहीं रहा। दूसरा, महात्मा गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच में जिस तरह के सैद्धांतिक मतभेद रहे वो दुनिया को पता है, और नेहरू जी चूंकि गांधी जी के करीब थे इसलिए इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती कि अगर हो सकता है कि ये जासूसी करवाई गई हो। उस जासूसी के ठीक ठीक कारण क्या थे इनका खुलासा तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन यदि ऐसा हुआ है तो जासूसी में क्या बातें सामने आई, क्यों ये जासूसी करवाई गई, उसका मकसद नेताजी यदि कोई उनकी खैर खबर है वो पता करना है, या फिर नेताजी के परिवार को परेशान करना है, या फिर नेताजी के परिवार द्वारा ऐसी कोई हरकत नहीं हो जिससे कि नेहरू जी या उस तत्कालीन सरकार को खतरा था, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब इस खुलासे के बाद सरकार को ढूंढकर देना चाहिए। ऐसा भी कहा जा रहा है कि नेहरू जी जो है नेताजी से डरते थे, ये बात सामने लगातार आई है और ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि उस वक्त के नेहरू जी के नेतृत्व को यदि कोई चुनौती दे सकता था तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। देखिए, नेताजी की जो लोकप्रियता थी वो इसलिए अचानक बढ़ गई थी कि जब लाल किले के सामने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को खड़ा करके सजा देने की बात आई थी, तब पूरे देश में एक तरीके से जो गुस्से की लहर थी, जो आजाद हिंद फौज के प्रति सहानुभूति की लहर पूरे हिंदुस्तान में उमड़ी थी, उसने नेताजी को और भी एक बड़ा जननायक बना दिया था। और मेरे को लगता है कि उस जो हिलोर थी पूरे देश में उससे ही घबराकर कहीं ना कहीं इस तरह की जो जासूसी है वो करवाई गई होगी, क्योंकि नेताजी जब विदेश में रहकर, जापान में रहकर, जर्मनी में रहकर भारत के लिए समर्थन जुटा रहे थे, आजाद हिंद फौज की का नेतृत्व कर रहे थे, गठन कर रहे थे। ये दुर्भाग्य है कि जब म्यांमार के रास्ते उन्होंने आने की कोशिश की तो मौसम और अन्य हालातों की वजह से उनको अपने कदम पीछे उठाने पड़े। जापान की हार निश्चित तौर पर आजाद हिंद फौज और नेताजी की हार में एक बहुत बड़ा कारक बनी, लेकिन उस सब के बाद भी जब यह तय किया गया कि आजाद हिंद फौज की तरफ से जो लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़े थे उनको सजा दी जाएगी, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा इतिहास का बदलाव बिंदु था, क्योंकि उस वक्त तक आजाद हिंद फौज को लेकर, नेताजी को लेकर भावनाएं थी लेकिन वो सतह पर नहीं आ पाई थी, सामने नहीं आ पाई थी। और इस तरह का जो सैलाब उमड़ा था पूरे हिंदुस्तान में नेताजी के योगदान को लेकर, जिस तरीके से लोग जागरूक होने लगे थे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी तरह की घबराहट हो सकता है कि वो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री बने थे देश के पहले जवाहरलाल नेहरू, वो उनके मन में रहा हो। कांग्रेस पर तो यह भी आरोप लगते रहे हैं कि उसने हमेशा क्रांतिकारियों के योगदान को कम करके आंका है। अब इसमें कितनी सच्चाई है इस पर बहस की जा सकती है अलग से, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जासूसी कोई नया कांड नहीं है। जासूसी गृह मंत्रालय द्वारा, आईबी के लोगों द्वारा, यहां तक कि रॉ के लोगों द्वारा विदेश जाने वाले नेताओं और मंत्रियों की जासूसी करवाया जाना एक ऐसी बात है जो लगातार चर्चा में भी रही है, उसके पुष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। फोन टेप कांड आपको याद होगा, नरसिंह राव जी के समय पर भी फोन टेप करने का एक बहुत बड़ा कांड सामने आया था। अभी बीच में कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जहां पर फोन टेप करके बड़े बड़े जो कॉरपोरेट डील्स हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश की गई। तो जासूसी करना, फोन टेप करना ये नई बात नहीं है, लेकिन ये तब 1948 के बाद 20 सालों तक हुआ जिसमें से कि 16 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो ये बड़ी बात है। और कांग्रेस ने क्रांतिकारियों के योगदान को कम करके आता है, ये अलग बहस का मुद्दा इसलिए है कि कांग्रेस के जो नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी गई जिसके नायक के रूप में महात्मा गांधी उभरे, और ऐसा लगातार इतिहास में माना जाता रहा है कि उसी नेतृत्व ने केवल आजादी दिलाई, लेकिन हम इसी के साथ कभी भी भगत सिंह का या चंद्रशेखर आजाद का या खुदीराम बोस का या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को कम करके नहीं आंक सकते। ये लगातार बहस होती रही है और मुझे लगता है कि इन क्रांतिकारियों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। हमने इतिहास की किताबों
में, नागरिक शास्त्र की किताबों में, हमें स्कूलों में इसको पढ़ाया गया, तो इसलिए सीधे सीधे ये मानना कि इनको कम करके आंका गया है नहीं कहा जा सकता, लेकिन जितना महत्व दिया जाना चाहिए था वो भी नहीं दिया गया, तो मैं कहूँगा कि ये ज़्यादा बेहतर वक्तव्य होगा। इस खुलासे से न सिर्फ नेहरू जी बल्कि आईबी की साख पर भी बट्टा लगा है। देखिए, आईबी गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और आईबी को गृह मंत्रालय द्वारा जो काम सौंपा जाता है वो उसको करना होता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो सामने आते हैं, जैसे आप देखिए ये जो फाइल है इसको गुप्त कहकर इसको सामने लाने से रोका गया था। दरअसल प्रस्ताव ये है कि कोई भी फाइल जिसे गुप्त करार दिया गया उसको हर 5 साल बाद उसकी समीक्षा की जाए और 5 साल बाद ये तय किया जाए कि ये मामला उस वक्त गंभीर हो सकता है, उस वक्त गुप्त रखे जाने लायक हो सकता है, उस वक्त इसको सार्वजनिक किए जाने से कोई नुकसान हो सकता है, लेकिन क्या 5 साल बाद भी वो मुद्दा उतना ही गोपनीय रखे जाने लायक है कि उसको सार्वजनिक किया जा सकता है, ये निर्णय लेने चाहिए। लेकिन यहां मैं ये कहूंगा कि ऐसे निर्णय कांग्रेस सरकार ने तो नहीं ही लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी जब भी एनडीए के गठबंधन के जरिए सरकार बनाने का मौका मिला तब उन्होंने इस तरह की फाइलों को सार्वजनिक करने की कोशिश नहीं की है। ये तो एक फाइल है जिसके सामने आने से इतना हंगामा मचा है, और जो फाइलें हैं जिनको गुप्त कहकर सार्वजनिक करने से रोका गया है, जब वो फाइलें उनके तथ्य सामने आएंगे तो कितने कंकाल जो हैं अलमारियों से और कब्रस्तानों से निकलकर बाहर नग्न नृत्य करेंगे इसकी कल्पना की जा सकती है। इस खुलासे को राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है? निश्चित तौर पर जोड़कर देखा जाएगा। यदि कांग्रेस की सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनके बीच में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच में जो वैचारिक मतभेद थे वो सारे लोग जानते हैं, और जब कांग्रेस की सरकार ने अगर जासूसी करवाई और भाजपा की सरकार उसको खुलासा कर रही है तो ये तो राजनीतिक मुद्दा पहले दिन से है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, राजनीतिक मुद्दा है, रहेगा, इस पर राजनीतिक, सैद्धांतिक और वैचारिक बहस जरूरी है। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे नेताजी की जासूसी की, अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।